वेलकम टू कॉग्निजेंस ऑफ कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स। आज मैं आपके साथ पाकिस्तान करंट अफेयर्स मार्च 2021 शेयर कर रहा हूँ, और ये खास करके जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स हैं उनमें करंट अफेयर्स में पूछा जाता है, खास करके FPSC, SPSC, PPSC, KPPSC, सखराइबे टेस्टिंग सर्विस, NTS के लिए ये आपके लिए प्रोडक्टिव साबित होगा। पाकिस्तान करंट अफेयर्स का पोर्शन तकरीबन हर वन पेपर के एग्जाम में होता है। उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर सीरीज़ आपको उस एग्ज़ाम में फ़ायदा देगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन वन है, हाउ मेनी फॉरेन टीम्स पार्टिसिपेटेड इन पाकिस्तान आर्मी स्पिरिट टीम पेट्स 2021 कॉम्पिटिशन। कितनी टीम्स ने पार्टिसिपेट किया है पेट्स 2021 कॉम्पिटिशन में? A6 टीम्स, B8 टीम्स, C10 टीम्स, D none of these. करेक्ट ऑप्शन है B8 टीम्स। क्वेश्चन टू है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान लॉन्च्ड अ टूरिज्म प्रोजेक्ट अल बैरूनी रेडियस। अल बैरूनी रेडियस एक टूरिज्म प्रोजेक्ट लॉन्च किया था प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने, ये कौन से सिटी में लॉन्च किया है? ए जहलम, बी रावलपिंडी, सी इस्लामाबाद, डी पिशावर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए जहलम। क्वेश्चन थ्री है, अकॉर्डिंग टू ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान रैंक्स एज डैश बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर ऑफ ऑनलाइन लेबर इन द वर्ल्ड। पाकिस्तान का नंबर पूछ रहा है ऑनलाइन लेबर में इन द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू ILO रिपोर्ट। ए फर्स्ट, बी सेकेंड, सी थर्ड, डी फोर्थ। करेक्ट ऑप्शन है सी थर्ड। क्वेश्चन फोर है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज रिनोन्ड एरोबेटिक टीम टू परफॉर्म इन पाकिस्तान डे परेड ऑन 25 मार्च 2021। सॉरी, ए श्रीलंका, बी UK, सी तुर्की, डी नन ऑफ दिस। करेक्ट ऑप्शन है सी तुर्की। क्वेश्चन फाइव, विच कंट्री सेंट इट इज आर्मी बैंड इन पाकिस्तान डेस पाकिस्तान परेड डेस ऑन 25 मार्च 2021। कौन से कंट्री ने अपना आर्मी बैंड भेजा था पाकिस्तान डे जो हम सेलिब्रेट करते हैं 25 मार्च 2021 में? ए सऊदी अरेबिया, बी तुर्की, सी जॉर्डन, डी नन ऑफ दीज। करेक्ट ऑप्शन है बी तुर्की। क्वेश्चन सिक्स है, विच हाई कोर्ट सस्पेंडेड मेंबरशिप ऑफ 2 MPAs ओवर राइजिंग डॉग बाइट केसेस इन देयर कंस्टिट्यूट। कौन सी हाई कोर्ट ने 2 MPAs की मेंबरशिप को ख़त्म कर दिया था जो डॉग बाइट के केसेस उनकी कंस्टिट्यूंसीज में बढ़े थे? ए बलूचिस्तान हाई कोर्ट, बी इस्लामाबाद हाई कोर्ट, सी पंजाब हाई कोर्ट, डी सिंध हाई कोर्ट। तो उसका करेक्ट ऑप्शन है डी सिंध हाई कोर्ट। क्वेश्चन सेवन है, वेयर द मीटिंग ऑफ परमानेंट इंडस वाटर कमीशन रिगार्डिंग शेयरिंग ऑफ इंडस वाटर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान वाज शेड्यूल इन मार्च 2021। ये पूछ रहा है कि जो मीटिंग थी परमानेंट इंडस कमीशन की वो कहाँ पे शेड्यूल थी इन मार्च 2021 बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान? ए इस्लामाबाद, बी ताशकंद, सी न्यू दिल्ली, डी न्यूयॉर्क। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी न्यू दिल्ली। क्वेश्चन एट है, व्हेन रेडियो पाकिस्तान रिनोन्ड न्यूज़कास्टर एंड फर्स्ट फीमेल अनाउंसर ऑफ स्टेट टीवी कमल नसीर डाइड एट द एज ऑफ 73। कमल नसीर कब फोत हुई थी 73 साल की उम्र में? ए 22 मार्च, बी 24 मार्च, सी 25 मार्च, डी नन ऑफ दिस। करेक्ट ऑप्शन है सी 25 मार्च 2021। क्वेश्चन नाइन है, पाकिस्तान ऑन 26 मार्च 2021 कंडक्टेड अ सक्सेसफुल फ्लाइट टेस्ट ऑफ शाहीन 1A सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल रेंज। अब शाहीन 1A जिसका टेस्ट कंडक्ट हुआ था उसकी रेंज क्या है? ए 750 किलोमीटर, बी 800 किलोमीटर, सी 850 किलोमीटर, डी 900 किलोमीटर। करेक्ट ऑप्शन है डी 900 किलोमीटर। क्वेश्चन टेन है, व्हेन एयर मार्शल जहीर अहमद बाबर अज्यूम द चार्ज ऑफ चीफ ऑफ एयर स्टाफ ऑफ पाकिस्तान एयरफोर्स। ए 17 मार्च, बी 18 मार्च, डी सी 19 मार्च, डी 20 मार्च। करेक्ट ऑप्शन है सी 19 मार्च। क्वेश्चन 11 है, एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू इज द डैश चीफ ऑफ एयर स्टाफ ऑफ पाकिस्तान एयरफोर्स। अब जो जहीर अहमद बाबर सिद्धू है वो चीफ ऑफ एयर स्टाफ का कौन से नंबर पे है? ए 21st है वो, 22nd है, सी 23rd, डी नन ऑफ दीज। करेक्ट ऑप्शन है 23rd। जहीर अहमद बाबर सिद्धू 23rd चीफ ऑफ एयर स्टाफ ऑफ पाकिस्तान एयरफोर्स है। क्वेश्चन 12, हु इज द करंट चीफ ऑफ एयर स्टाफ ऑफ पाकिस्तान एयरफोर्स? ए सोहेल अमान, बी जहीर अहमद बाबर, सी मुजाहिद अनवर,
डी नन ऑफ दिस, करेक्ट ऑप्शन है जहीर अमन बाबर सिद्धू, अभी भी यही है। क्वेश्चन 13 है, पाकिस्तान हैज बीन रैंक्ड एज डैश मोस्ट पॉल्यूटेड कंट्री बाय एयर आईक्यू एयर ग्लोबल एयर क्वालिटी रिपोर्ट। अब आईक्यू एयर ग्लोबल एयर क्वालिटी रिपोर्ट में पाकिस्तान की रैंक पूछ रहा है, ए फर्स्ट, बी सेकंड, सी थर्ड, डी नन ऑफ दिस, करेक्ट ऑप्शन है बी सेकंड। अब ये कीप इन माइंड के मार्च 2021 के पाकिस्तान करंट अफेयर्स है, कोई भी एग्जाम होता है तो आपसे वो पिछले दो सालों के पाकिस्तान करंट अफेयर्स या वर्ल्ड करंट अफेयर्स पूछते हैं। क्वेश्चन 14 है, द डैश हैज प्लान्स टू इन्वेस्ट 94.04 मिलियन डॉलर्स इन वर्चुअल पाइपलाइन टू डिलीवर इंपोर्टेड लिक्विफाइड नेचुरल गैस इन पाकिस्तान इंडस्ट्रीज, ए ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड, बी गवादर पोर्ट लिमिटेड, सी पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड, डी पाकिस्तान ऑयल फील्ड्स लिमिटेड, करेक्ट ऑप्शन है बी गवादर गैस पोर्ट लिमिटेड। क्वेश्चन 15 है, पाकिस्तान ज्वाइन द OIC टू ऑब्जर्व फर्स्ट एवर इंटरनेशनल डे टू कॉम्बैट इस्लामोफोबिया, पाकिस्तान ने कौन से दिन को इंटरनेशनल डे टू कॉम्बैट इस्लामोफोबिया बनाया था, ए 14 मार्च, बी 15 मार्च, सी 16 मार्च, डी नन ऑफ दिस, करेक्ट ऑप्शन है बी 15 मार्च। क्वेश्चन 16 है, व्हिच पाकिस्तानी साइंटिस्ट डिजाइन्स वर्ल्ड फर्स्ट इको फ्रेंडली एयरक्राफ्ट इंजन, कौन से पाकिस्तानी ने पहला इको फ्रेंडली एयरक्राफ्ट इंजन डिजाइन किया था, ए सोनिया मेमन, बी सारा कुरैशी, सी जाहिदा, डी जारा, तो उसका करेक्ट ऑप्शन है बी सारा कुरैशी। क्वेश्चन 17 है, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी कन्फर्ड पाकिस्तान सिविल अवार्ड्स टू डैश पाकिस्तानीज एंड फॉरनर्स इन रिकॉग्निशन ऑफ देयर सर्विसेज टू पाकिस्तान ऑन 23rd मार्च 2021 में पाकिस्तान के प्रेसिडेंट डॉक्टर आरिफ अलवी ने कितने पाकिस्तानीज और फॉरनर्स को अवार्ड दिया था, ए 88, बी 138, सी 184, डी नन ऑफ दिस, करेक्ट ऑप्शन है ए 88। क्वेश्चन 18 है, व्हिच पाकिस्तानी क्रिकेटर प्लेयर अवार्डेड सितारे इम्तियाज आफ्टर हिज डेथ, कौन से पाकिस्तानी क्रिकेटर को सितारे इम्तियाज दिया गया था उसकी डेथ के बाद, ए खालिद वजीर, बी अब्दुल कादिर, सी अख्तर सरफराज, डी जफर सरफराज, करेक्ट ऑप्शन है बी अब्दुल कादिर। क्वेश्चन 19 है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज आर्मी टीम हु वॉन गोल्ड मेडल इन इंटरनेशनल एडवेंचर कॉम्पिटिशन एल्ड इन नेपाल फ्रॉम 18 मार्च टू 21 मार्च, उसका करेक्ट ऑप्शन है सी पाकिस्तान, पाकिस्तान ने वो मेडल जीता था। क्वेश्चन 20 है, नेम द पाकिस्तानी हु विंस यंग साइंटिस्ट अवार्ड 2021 इन बायोटेक्नोलॉजी, कौन से पाकिस्तानी ने यंग साइंटिस्ट अवार्ड 2021 बायोटेक्नोलॉजी की फील्ड में जीता था, ए उमेर मसूद, बी हसन सलीम, सी उस्मान यासीन, डी नन ऑफ दीज, तो उसका करेक्ट ऑप्शन है ए उमेर मसूद। क्वेश्चन 21 है, इलेक्शंस फॉर सेनेट चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन हेल्ड ऑन, इलेक्शंस फॉर सेनेट चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन के लिए कब हुई थी, ये हुई थी बेसिकली 2021 में, तो उसकी डेट ए 12 मार्च, बी 13 मार्च, सी 14 मार्च, डी नन ऑफ दीज, करेक्ट ऑप्शन है ए 12 मार्च 2021। क्वेश्चन 22, हु वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान हु सॉट अ वॉलंटरी वोट ऑफ कॉन्फिडेंस फ्रॉम द पार्लियामेंट, अब पाकिस्तान का वो कौन सा प्राइम मिनिस्टर था जिसने खुद वोट ऑफ कॉन्फिडेंस अपने लिए लाया था पार्लियामेंट में, ए इमरान खान, बी नवाज शरीफ, सी यूसुफ रजा गिलानी, डी नन ऑफ दीज, करेक्ट ऑप्शन है बी नवाज शरीफ। अब क्वेश्चन 23 है, इमरान खान इज द डैश प्राइम मिनिस्टर इन द कंट्रीज हिस्ट्री टू सीक वॉलंटियरी वोट ऑफ कॉन्फिडेंस फ्रॉम नेशनल असेंबली, अब इमरान खान का नंबर पूछ रहा है, पहला तो नवाज शरीफ था, इमरान खान ने भी वॉलंटियर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लाया था नेशनल असेंबली में, अब ये कौन सा नंबर है, क्या बीच में कोई और भी प्राइम मिनिस्टर था या सेकंड प्राइम मिनिस्टर इमरान खान है, तो देखते हैं बी सेकंड, सी थर्ड, डी नन ऑफ दिस, करेक्ट ऑप्शन है बी सेकंड, तो पहला नवाज शरीफ था जिसने वॉलंटियर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लाया था, दूसरा इमरान खान था। क्वेश्चन 24 है, हाउ मेनी वोट्स हैज बीन सिक्योर्ड बाय प्राइम मिनिस्टर इमरान खान टू विन द वॉलंटियर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस फ्रॉम नेशनल असेंबली, अब ये याद रहे कि ये वोट ऑफ वॉलंटियर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस इमरान खान ने खुद लाया था नेशनल असेंबली में, और दूसरी जो वोट ऑफ आया था वो अपोजिशन ने मिलकर लिया था, ये पहले वाले की बात हो रही, उसमें कितने वोट लिए थे इमरान खान ने, ए 172, 176, सी 178, डी नन ऑफ दिस, करेक्ट ऑप्शन है सी 178। क्वेश्चन 25, व्हेन इमरान खान गॉट वॉलंटियर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस, अब ये डेट देख लें, ये याद कर लें,
कि कब वॉलंटियर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस इमरान खान लाया था। ए 6 मार्च 2021, बी 7 मार्च, सी 5 मार्च, डी नन ऑफ दिस। करेक्ट ऑप्शन है ए 6 मार्च 2021। क्वेश्चन 26 है, गुरदीप सिंह इलेक्टेड फर्स्ट सिख सेनेटर ऑफ पाकिस्तान फ्रॉम। पहला सिख सेनेटर गुरदीप सिंह पाकिस्तान के कौन से प्रोविंस से इलेक्ट हुआ था। ए सिंध, बी केपीके, सी पंजाब, डी बलूचिस्तान। करेक्ट ऑप्शन है बी केपीके। क्वेश्चन 27 है, व्हाट इज द रैंक ऑफ पाकिस्तान इन लेटेस्ट ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2021 रैंकिंग इशूड बाय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने एक रैंकिंग इशू की थी जिसको ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2021 कहा गया था, उसमें पाकिस्तान की रैंक क्या थी। ए 150, बी 151, सी 152, डी 153। करेक्ट ऑप्शन है डी 153। अब आपने ये ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2022 सर्च कर लेना है, उसमें पाकिस्तान का रैंक सर्च कर लेना है। क्वेश्चन 28 है, हु इज द करंट चेयरमैन ऑफ सेनेट ऑफ पाकिस्तान। ये पाकिस्तान की सॉरी स्पेलिंग गलत लिखी है, थोड़ी मिस्टेक है। ए एहसन इकबाल, बी डॉक्टर जफर इकबाल, सी रजा रब्बानी, डी सादिक संजरानी। करेक्ट ऑप्शन है डी सादिक संजरानी। क्वेश्चन 29 है, हु कास्ट फर्स्ट वोट ऑफ सेनेट इलेक्शन 2021 इन नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान। ए फैसल वाड़ा, बी शफीक अराई, डी शाहिद खाकान अब्बासी, डी अताउर रहमान। करेक्ट ऑप्शन है बी शफीक अराई। तो पहला वोट किसने कास्ट किया था सेनेट के इलेक्शन में जो 2021 में हुए थे, तो शफीक अराई। क्वेश्चन 30 है, हाउ मेनी सीट्स ऑफ पंजाब असेंबली वर इलेक्टेड अनअपोज्ड फॉर सेनेट ऑफ पाकिस्तान सेनेट इलेक्शन 2021। पंजाब असेंबली में कितनी सीटें जीते गई थी बगैर किसी अपोजिशन के सेनेट की। ए 11 सीट्स, बी 14 सीट्स, सी 13 सीट्स, डी 10 सीट्स। करेक्ट ऑप्शन है ए 11 सीट्स। क्वेश्चन 31 है, ऑन 1 मार्च 2021 सुप्रीम कोर्ट अनाउंस दैट सेनेट इलेक्शंस वुड बी हेल्ड अंडर डैश ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अब सेनेट जो इलेक्शन होती हैं वो कौन से आर्टिकल के तहत होती हैं। ए आर्टिकल 213, बी आर्टिकल 226, सी आर्टिकल 224, डी नन ऑफ दीज। तो करेक्ट ऑप्शन है बी आर्टिकल 226। क्वेश्चन 32 है, पाकिस्तान एंड कतर हैव साइंड लॉन्ग टर्म लिक्विफाइड नेचुरल गैस सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट फॉर हाउ मेनी ईयर्स। कितने सालों के लिए पाकिस्तान और कतर ने एलएनजी सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। ए 5 ईयर्स, बी 10 ईयर्स, सी 15 ईयर्स, डी नन ऑफ दीज। करेक्ट ऑप्शन है बी 10 ईयर्स। क्वेश्चन 33 है, पाकिस्तान ऑब्जर्व डैश एनिवर्सरी ऑफ टेरर अटैक ऑन श्राइन ऑफ लाल शहबाज कलंदर ऑन 16 फरवरी 2021। ए 3rd, बी 4th, सी 5th, डी 6th। करेक्ट ऑप्शन है बी 4th। अब आपने ये सर्च कर लेना है कि लाल शहबाज कलंदर के श्राइन पे जो टेरर अटैक हुआ था वो कब हुआ था, किस साल में हुआ था। क्वेश्चन 34 है, व्हिच सिटी वाज डिक्लेयर्ड एट सिटी ऑफ लिटरेचर बिकमिंग द फर्स्ट प्लेस इन पाकिस्तान टू हैव बीन कन्फर्ड द टाइटल बाय यूनेस्को। कौन से पाकिस्तान के सिटी को सिटी ऑफ लिटरेचर कहा गया था बाय यूनेस्को। ए लाहौर, बी कराची, सी हैदराबाद, डी मुल्तान। करेक्ट ऑप्शन है ए लाहौर। क्वेश्चन 35 है, द 9th इंटरनेशनल मैरीटाइम कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड एट ए लाहौर, बी कराची, सी हैदराबाद, डी इस्लामाबाद। तो करेक्ट ऑप्शन है बी कराची। तो ये थे पाकिस्तान करंट अफेयर्स फॉर मार्च 2021। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, अगर आपके लिए ये वीडियो प्रोडक्टिव है, तो इस वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें मेरे चैनल को, और कमेंट में लाजमी बताएं कि कोई कमी कोताही है, कोई क्वेश्चन है, आप मुझसे पूछ सकते हैं।